कांग्रेस का चिंतन शिविर लगातार बैठ के हो रही है। चिंतन शिविर में शामिल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की आप एक बात सुनिए, वो क्या कह रहे हैं कि आज देश को कांग्रेस की आवश्यकता है, ठोस रणनीति बनाने की पड़ेगी और उस ठोस रणनीति बनाने के लिए हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाला कल कांग्रेस का होगा। हरीश रावत से बात की हमारे संवाददाता कुलेश्वर पांडे ने। हमारे से इस समय उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी मौजूद है। सर, चिंतन शिविर हो रही है काफी लंबे समय के बाद और कहीं ना कहीं चिंतन की आवश्यकता भी थी क्योंकि जो देश भर में अभी हालात है कांग्रेस की, फिर से नई ऊर्जा के साथ आना पड़ेगा। ऐसा देखिए, राजनीतिक दल के जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं। आपने देखा कि खिलाड़ी के जीवन में भी कुछ न कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, इससे व्यक्ति के खेल की रेलिवेंस खत्म नहीं होती है। कांग्रेस देश की आवश्यकता है, यहाँ के लोकतंत्र की आवश्यकता है, कुछ परंपराएं हैं, कुछ इतिहास है कांग्रेस के साथ, वो इतिहास देश को एकताबद्ध करता है, देश को जोड़ करके चलता है। इसलिए कांग्रेस को शक्ति देना, लोकतंत्र को शक्ति देना है, संवैधानिक व्यवस्था को शक्ति देना है और हम लोग जो चुनौतियां आई हैं उन चुनौतियों के आलोक में कैसे आगे हमारी कार्यनीति रहनी चाहिए उस पर बात करेंगे। सर, इस तरह से बीजेपी का ग्राफ पूरा देश भर में बढ़ रहा है, उसके लिए कोई ठोस रणनीति चाहिए कांग्रेस को, तो वैसे क्या रणनीति रहेगी आने वाले? मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा, 1984 में एक सांसद था उनका, तो उन्होंने भी प्रतीक्षा की, उन्होंने भी तप किया, तपस्या की, मेहनत की, तो इस मुकाम तक पहुँचे। और ये अलग बात है, उन्होंने जिन सिद्धांतों को, जिन बातों को आगे बढ़ाया, जिस तरीके से पॉलिटिक उन्होंने पोलराइज किया, उसके हम खिलाफ हैं। वो आज़ादी के मूल्यों के खिलाफ है, वो लोकतंत्र और संवैधानिक लोकतंत्र के खिलाफ है, लेकिन उन्होंने तपस्या की, मेहनत की और हम भी जनता के बीच में मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, जनता के सवालों पर, लोगों के सवालों पर लड़ेंगे और कांग्रेस को एक नया स्वरूप, नई ताकत, एक नई ऊर्जा उदयपुर संकल्प से मिलेगी। सर, ये माना जाए कि अब आने वाले समय में चिंतन शिविर के बाद कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? देखिए, चिंतन शिविर के बाद एक स्पष्ट सोच और कार्यनीति, किस तरीके से काम करना आगे, उस बात पर बातें होंगी। सर, बिल्कुल, ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। इनका साफ तौर पर कहना है कि चिंतन शिविर आवश्यकता, चिंतन हो रही, सब अपने बात को पार्टी के सामने रख रहे हैं। निश्चित तौर पे आने वाले समय में आमूलचूल परिवर्तन जो है वो दिखेगा और एक ठोस रणनीति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ में कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, उदयपुर।